करना ये है कि आपने वर्चुअल बॉक्स, ये जो मैंने दोनों एक ही जगह पर रख दी हैं, वर्चुअल बॉक्स को आप जो है इंस्टॉल करेंगे। इस साथ साथ आप लोगों ने इसको समझना है कि जो काम हो रहा है, वर्चुअल बॉक्स को आप इंस्टॉल करेंगे। मैंने इस पे डबल क्लिक किया हुआ जी। हाँ जी, ये जो पहला स्टेप हमारे पास आया है, इस पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है। अब इसके बाद जो मुझे वो शो कर रहा है, इसमें वो कह रहा है कि क्या आपकी जो कस्टम सेटअप की लोकेशन है उसी को रखना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं जी, सी ठीक है, लोकेशन जो सी है वहाँ ठीक है, उसी को वहाँ इंस्टॉल कर दो। उस पर मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। अब इसके बाद मुझे वो ऑप्शंस डिफरेंट दे रहा है जी कि आपने इसका क्या जो है शॉर्टकट, आपको डेस्कटॉप पे चाहिए इसको, आप क्विक लॉन्च बार एटसेट्रा। तो मैंने कहा ठीक है जी, ओके फाइन, इसको भी कर देना। फिर उसने जो मुझे एक वार्निंग इंटरफेस दिया होगा, ठीक है, तो मैं उसको यस कर दिया, ठीक है प्रोसीड करो आप इसको। फिर उसने कहा जी कि रेडी टू इंस्टॉल, मैंने कहा ठीक है जी आप इंस्टॉल करें, अ फ्यू मिनट्स में ये हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक वो सिक्योरिटी का मैसेज भी आएगा, जब मैंने लास्ट में बच्चों की इंस्टॉलेशन करवाई थी तो वहाँ मैसेज आ भी रहा था, मैंने लैब मैनुअल के अंदर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर भी किया हुआ है, आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। विंडोज सिक्योरिटी का वो कहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल के ऊपर, तो वो इंस्टॉलेशन आपकी जो है वो कर देगा, ठीक है। तो वो उसके बाद फिर फिनिश पे आप लोग ले आएगा। अब हमारे पास ये आ गया, ये पड़ा हुआ, ठीक है। कहते हैं मैं इसको क्लोज करके जाकर डेस्कटॉप से आपको दिखा के ओपन कर देता हूँ के मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसको मैं चलाता हूँ। अब यहाँ से बेसिकली हमने करना क्या है, अब ये हम सेटिंग करने लगे हैं वर्चुअल मशीन की। आप लोग न्यू पे जाएं। अब यहाँ आपने इसका नाम रखना है, जो भी इसका आप नाम रखना चाह रहे हैं। हमने चलें इसका जो नाम रखना चाह रहे हैं, यूबंटू नाम रख लेते हैं। हमने कह दिया जी कि आपने वहाँ इसमें इंस्टॉल करना है, सी के अंदर ही आपने, ठीक है। तो इसके बाद जो हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब उसने कहा कि आपको मेमोरी साइज जो है रिक्वायर्ड है, कितना मेमोरी साइज को एलोकेट करना चाह रहे हैं। हम उसको मेमोरी साइज जो है वो, उसने कहा रिकमेंडेड साइज आपको, इसको आप 1 GB साइज हम रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप इसको 1 GB सफिशियंट है आपके पास, वो हो सकता है कुछ बच्चों के पास सिस्टम जो 8 GB रैम का भी हो, जिनके पास 4 का भी है तो 1 GB इसको एलोकेट करते हैं, उनको ऐसा मसला नहीं है। आप से कम भी करना चाहते हैं 512 पर, जिनके पास कम रैम है वो 512 कर लें, नो इशू। ये आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो आपसे कह रहा है कि जी आपने वर्चुअल मशीन के लिए आप हार्ड डिस्क जो है वो क्रिएट करें, वर्चुअल हार्ड डिस्क नो, सेकंड ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है, उसी पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, अब उसने मुझे ये जो ऑप्शन दिया है उसके अंदर लिखा हुआ जी कि आपने वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज, उसके हवाले से मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब उसने कहा जी कि जो बेसिकली हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वर्चुअल हार्ड डिस्क, उसके ऑप्शन उसने कहा जी दो चीज़ें होती हैं, एक डायनामिकली एलोकेटेड, एक फिक्स साइज किया। इसको आपने वैसे कंसेप्ट प्रोग्रामिंग के लिए भी इसका देखा होगा, तो ये डायनामिकली जो एलोकेटेड है उसी को हम रहने देंगे। हाँ जी, अब उसने कहा हुआ जी कि आप साइज को सिलेक्ट करें, फाइल लोकेशन और साइज को, ठीक है। लोकेशन जहाँ पे है वो इंस्टॉल कर रहे हैं सी में, इन केस अगर आप कहीं और सेव करना चाह रहे हैं तो वहाँ कर लीजिएगा। इस तरह से जो साइज है उसने 10 GB से रिकमेंड किया हुआ था, तो मैं जो है 10 GB ही रहने देता हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें 15 20 जितना भी आप करना चाहें इसको आप लोग कर सकते हैं। मुझे अगर आप कहते हैं जी मैं 15 करता हूँ, तो मैं 15 इसका कर देता हूँ। तो ये ना आप बाद में कहेंगे जो जैसे है वैसे वैसे लेके चलना, ठीक है। मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ,
ठीक। अब आपने जब सारा काम कर लिया, अब आपके सामने वो आ गया, अब यहाँ से जाके आप जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको जितनी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, अब आप हम करेंगे क्या, अब हमने बेसिकली ISO इमेज फाइल जो है Ubuntu की वो इसके साथ अटैच करनी है। उसके लिए आपको सेटिंग पे जाएं, या आपको मशीन दो दो इसलिए नज़र आ रही है बस Ubuntu की, क्योंकि मैंने पहले एक इंस्टॉल जो है वो की हुई है, तो वही आपको दोबारा से करवाने के लिए मुझे जो सारा काम करना पड़ रहा है ताकि बच्चों की सुविधा। अच्छा, यहाँ से आप लोग जो है डिफरेंट चीज़ेस की देख सकते हैं, कि आप लोग सिस्टम में, डिस्प्ले में, स्टोरेज में, एटसेट्रा, जो भी देखना आप लोग चाहें। मैं स्टोरेज पे जाके देखेंगे आप लोग, तो आपको स्टोरेज की ऑप्शन आ रही है। स्टोरेज के अंदर आप लोगों को ये M2T के क्लिक नज़र आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे ID के ऊपर, ये आपको ऑप्टिकल ड्राइव पे ले आएगा, यहाँ लाइव CV और DVD के ऊपर। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मैं इस पे करता हूँ, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि चूज डिस्क फाइल, ये इसने मैं जहाँ उसका पाथ था उसका मैंने पाथ दे दिया कि जी फलां जगह पे मैं रखा हुआ, वहां से जाके आप जो इसको ISO इमेज का मैंने उसको पाथ दे दिया, ठीक है। अब ये काम मैंने जितना सा वो सारे का सारा काम कर लिया, यहाँ तक आप लोग साथ हैं सब लोग। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ओके के ऊपर, और इसके बाद मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। हाँ जी, कहाँ था हमारा ये, इसमें दो तीन इंस्टॉल किए हैं, ये बोला जी, इसको स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। हाँ जी, अब उसने जी कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं लैंग्वेज की है, और मैं उसने करी क्या करें, मैं कहीं इंस्टॉल कर दो Ubuntu को। उसने जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, कितनी स्पेस एटलीस्ट होनी चाहिए, नेट कनेक्टिविटी ठीक है जी, और अपडेट्स चाहिए नहीं फिलहाल नहीं चाहिए, तो उसके बाद जो है मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ वो कह रहे थे ना आपके, मैं जो है आपका इसको डिस्को रेज करूँगा फिर इंस्टॉल करूँगा, तो ठीक है वर्चुअली इंस्टॉल कर रहे हैं आप, कर दो, वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना उसमें। ड्राइव उसने बताई है जी कि आप सेलेक्ट करें, तो ड्राइव हमने ठीक सेलेक्ट की पहले से, उसने कहा कि कितना ड्राइव यूज़ कितनी होगी इंटायर डिस्क, वो 16.1 GB उसने कहा, मैंने कहा ओके फाइन कर इंस्टॉल आप, क्योंकि 16 GB मैंने स्पेस वहाँ रखी थी, तो उस हिसाब से भी कह रहा। हाँ जी, यहाँ वो फाइल्स को कॉपी कर रहा है, आपने अपनी लोकेशन अगर आपने को सेट करनी है, सिटी अपना, मैं सपोज लाहौर लिखता हूँ, लाहौर पंजाब पाकिस्तान, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ रही है, हम जी पंजाब पाकिस्तान भी कर लेते हैं।
फाइल्स को कॉपी कर लें, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट जो है बहुत जल्दी हो जाता होता है। मेरे पास जो दूसरा लैपटॉप उसमें SSD है, उसने फ्यू मिनट्स में कर दिया था, तो मेरा ख्याल है जो आपका सिस्टम होगा अच्छे होंगे तो जल्दी कर देगा इंस्टॉलेशन। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए दूसरे सिस्टम पर इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा स्लो है, तो हो सकता है कि इसलिए टाइम ले रहा हूँ, और माइट भी आपके पास भी इतना ही टाइम ले। चलें जी, हम इसके बाद जो है वो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ उसने जी हमें से पूछ लिया है कि जी, उसने कहा अपना कीबोर्ड लेआउट वगैरह आप सेट कर लें, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं कुछ, तो मैंने कहा ठीक है जी। यहाँ उसने कहा जी आप अपना नेम वगैरह सेट कर, मैंने जी नाम रख लिया अपना। पासवर्ड उसने कहा जी आप सेलेक्ट कर लें अपना, 1 2 3 4 5 पासवर्ड रख दिया। इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं जी। ये मैंने एक ओल्ड वर्जन लिया हुआ है, 11.10 है, ठीक है, उबंटू का। अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 20 पॉइंट समथिंग है, लेकिन फीचर सब में ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसको इन केस हम अगर अपडेटेड पे लेकर जाना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, तो नो इशू, हम अपडेटेड भी कर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने इतना ओल्ड क्यों लिया, मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं, वो इसलिए कि इसका जो साइज़ कम था, 695 MB है जो लेटेस्ट है, उसकी जो फाइल का मैं साइज़ चेक कर रहा था, जो मुझे मिल रही थी वो ऑलमोस्ट जो है
ऑलमोस्ट 2 GB एंड फ्यू MBs के ऊपर था वो, तो फिर वो मैंने इसलिए उसको डाउनलोड नहीं किया। तो हाँ जी, इसके बाद कैड इंस्टॉलेशन कंप्लीट है और वो कहता है रिस्टार्ट हम करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं ठीक है जी, कर लें आप। हाँ जी, एंटर प्रेस करते हैं। चलें जी, ये अब आपका सिस्टम रेडी है। जो आपने जो बंटू इंस्टॉल किया था, लॉगिन स्क्रीन आपकी आ गई है, जहां आप जो है बेसिकली लाइक बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। और हम यहां पासवर्ड एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 जो हमने लिखा था। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास जो आप डेस्कटॉप इसका आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपकी इंस्टॉलेशन है। अब इसके आगे क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है, ये देखें, आपको विजिबल हो गया। ठीक है, ये लाइक बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह। अब सारा इसको आप जो यूज़ करेंगे, जो काम या वहाँ करते हैं, आप यहाँ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो इसको हम, क्योंकि हमारा वर्क डेवलपमेंट काफ़ी काम इसी पे चलेगा वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, तो हम यूबंटू को इंस्टॉल करके काफ़ी चीज़ें हम कर रहे होंगे, बहुत चीज़ें आपस में इस तरह से इंटरकनेक्ट होंगी। तो यहाँ तक अगर किसी को स्टिल कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, जिसने मुझे कहा कि आपका जो है वो जो ओल्ड वर्जन है अब इसको सपोर्ट नहीं करता वो, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आस्क में लेटर वगैरह अपग्रेड कर दें। यहाँ तक आप लोग इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, बाकी हम फर्दर जो डिस्कशन वो करते हैं।